गाइज, हम हमारे डे टू डे लाइफ में इस प्रकार के क्वेश्चन का बहुत यूज करते हैं, जहां पर हम कहते हैं कि तुम्हारी बहन इतनी क्यों सोती है, तुम इतना क्यों पढ़ाई करते हो, तुम इतना क्यों सोते हो, वो इतना क्यों बोलता है। सो गाइज, इस प्रकार के सेंटेंसेस को हम इंग्लिश में कैसे कहेंगे, इसके लिए कौन से स्ट्रक्चर की यूज करेंगे, आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं। इस प्रकार के सेंटेंसेस को इंग्लिश में कहने के लिए आपको ये स्ट्रक्चर फॉलो कर देनी है। स्ट्रक्चर में पहले आपको यूज कर देने वाई, वाई के बाद डू या फिर डॉज, इसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आपको यूज कर देने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसके बाद सो मच, सो मच के बाद अदर वर्ड्स, और लास्ट में एक क्वेश्चन मार्क जरूर लगाइए अगर आप लिख रहे हैं तो। मैं आपको और एक चीज़ क्लियर कर दूँ, डॉज आप यूज करेंगे ही, सी, इट्स नेम के पास, और डू आप यूज करेंगे आई, वी, यू, दे के पास। चलिए कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं ताकि आपको ये स्ट्रक्चर और भी अच्छे से क्लियर हो जाए। आपकी मम्मी इतना क्यों डांटती है, Why does your mother scold so much? Why does your mother scold so much? तुम इतना क्यों फोन चलाते हो? Why do you use mobile so much? Why do you use mobile so much? तुम इतना क्यों पढ़ाई करते हो? Why do you study so much? Why do you study so much? वो इतना क्यों बोलता है? Why does he speak so much? Why does he speak so much? तुम्हारी बहन इतना क्यों सोती है? Why does your sister sleep so much? Why does your sister sleep so much? आपके शिक्षक इतना क्यों पढ़ाते हैं? Why does your teacher teach so much? Why does your teacher teach so much? तुम इतना क्यों पढ़ाई करते हो? Why do you study so much? Why do you study so much? तुम इतना क्यों सोते हो? Why do you sleep so much? Why do you sleep so much?